मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सुनिया। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सुनिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के। Welcome back to my YouTube channel, Chico Clays, and how are you? Are you both fine? So, आज में ये my psycho husband का part 20 है. I hope the part आपको अच्छा लगेगा. चलिए वीडियो को start करते हैं. सुबह सुबह उठता है तो वो देखता है कि जिम में रूम में नहीं होती है और उसके पास एक letter पड़ा हुआ होता है तो उसे read करता है. शुगर मैं तुम्हारे लिए breakfast बना दिया, तुम खा लेना और मैं college जा रही हूँ driver के साथ. Okay, bye. ओह तो जिमिन कॉलेज चली गई, पर क्यों चली गई? अरे मैंने तो कहा था, मैंने तो परमिशन दी थी. कोई बात नहीं, शाम को आएगी तब मिलूंगा. इतना बोलकर शुगर नीचे जाता है और ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जा रहा है. फाइनली मैं यहाँ पर आ गई और अब मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी, इस पढ़ाई को जाया नहीं जाने दूंगी. शुगर ने मुझे एक मौका दिया है और मैं इस मौके को खराब नहीं होने दूंगी. लेकिन शुगर के रूल, उसे भी मुझे फॉलो करना होगा. अरे तो शुगर ने ऐसे ऐसे रूल रखे जिससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है. इतना बोलकर जिमिन कॉलेज के अंदर चली जाती है. उसके बाद वहाँ पर किसी की एंट्री होती है. Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business. Right. इस कॉलेज में एक न्यू स्टूडेंट आई है, वो भी एक लड़की. चलो हम लोग उसकी रैगिंग करते हैं. वाओ न्यू गर्ल, अब तो बहुत मजा आएगा. वैसे वो कहाँ पर है? मुझे उसकी रैगिंग करनी, मुझे बहुत मन कर रहा था इतने से एक लड़की की रैगिंग करने का. और अब देखो, और तुझे पता है उसका नाम क्या है? क्या नाम था, मैं भूल गया. पार्क जिमिन. हाँ उसका नाम पार्क जिमिन है. हाँ तो होगी कुछ. एक मिनट, तुमने क्या कहा? पार्क जिमिन? तुम सच बोल रहे हो? देख अगर ये मजाक है ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, अगर ये मजाक है तो. ओहो ब्राइट, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? और वैसे भी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच है. क्या सच में? ओ गॉड जिमिन इस कॉलेज में? ओ गॉड मैं उससे मिलना चाहता हूँ, कहाँ पर है वो? ओहो इतनी खुशी, बट व्हाई? इतने सालों से मैं हर लड़कियों को रिजेक्ट क्यों करता हूँ? बिकॉज मुझे जिमिन चाहिए थी, उसे मैं बचपन से प्यार करता हूँ और बचपन से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी. और उसकी एक फोटो थी जिसको मैं बहुत संभाल के रखता था और तुमने पूछा भी था ये किसकी फोटो है. वो वही लड़की है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे बताने ही वाला था. लेकिन उससे पहले मेरे डैड का ट्रांसफर लंदन में हो गया, इसलिए मैं चला गया. उसके 5 साल बाद मैं वापस आ गया जिमिन से मिलने के लिए. लेकिन जिमिन यहाँ पर मुझे मिली ही नहीं. मुझे पता था कि जिमिन कॉलेज में एडमिशन जरूर करवाएगी क्योंकि उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक है. और इसीलिए मैंने कॉलेज में एडमिशन करवाया और इतने सालों से मैं उसका वेट कर रहा हूँ. फाइनली वो वापस आ गई और अब की बार मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगा, उसे शादी करूंगा जरूर. कहाँ पर है? मुझे उसे मिलना है. तो उसके लिए खुश हो रहा है और 5 सालों से उसकी हर छोटी छोटी चीज तो अपने पास संभाल के रखता है. और अगर वो तुझे भूल रही हो तो तुझे क्या लगता है? जिमिन ऐसी वैसी लड़की है, वो मुझे नहीं भूल सकती बिकॉज वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत मानती है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे याद ही रखेगी चाहे देख लेना. फिर दोनों जिमिन के पास जाते हैं. ब्राइड उसे जैसे ही देखता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो जाकर उसे बैक हग कर लेता है जिसकी वजह से जिमिन बहुत घबरा जाती है. मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं भूली होगी और तुम्हें पता है मैं तुम्हें देखकर कितना खुश हूँ. मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दिया, अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा. लेकिन देखो डेस्टिनी ने हमें वापस से मिलवा दिया. हाँ मैं तुम्हें नहीं भूली और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे भूल सकती हूँ. एंड हाँ तुम मुझे दोबारा ऐसे हक मत करना. क्या हक ना करूँ? पर क्यों जमीन? देखो तुम मुझसे नाराज हो गया, देखो मुझे माफ कर दो. मुझे नहीं पता था कि मेरे डैड का ट्रांसफर कब हो गया. जब घर पहुँचा तो मुझे पता चला, इसीलिए हम लोग वहाँ से निकल गए, वरना मैं तुम्हें जरूर बताता. मुझे माफ कर दो. नहीं ब्राइट ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होता है इसीलिए मत किया करो. तुम्हें कब से अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा? और मेरा तुम्हें पहले कितना हक करता था, अब क्या हुआ? क्योंकि पहले की बात
बात अलग थी और अब की बात अलग है because I'm married और अब तो मुझे ऐसे हक नहीं कर सकते। I'm sorry bride but तो मुझे आज के बाद ऐसे हक मत करना because मुझे uncomfortable महसूस होता है और अच्छा भी नहीं लगता। क्या शादी? तुम मजाक कर रही हो ना जिमिन? देखो तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी भी तक नहीं गई, तुम अभी भी नहीं बदली। तुम मजाक कर रही हो ना? देखो अगर मजाक कर रही है तो प्लीज से बंद कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं मजाक क्यों करूंगी ब्राइट? अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो ये देखो मेरा आईडी कार्ड देख लो, इसमें भी मेन जिमिन लिखा है। पार्क जिमिन थी मैं पहले लेकिन अब मेन जिमिन हो गई हूँ। क्या मेन जिमिन? कौन है तुम्हारा हस्बैंड? तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का नाम मिनयोंगी है। What मिनयोंगी? तुम फिर से आ गए मेरी लाइफ में। तुमने पहले मेरे सब कुछ छीन लिया और अब जिमिन भी। मिनयोंगी तुम्हारी वजह से मेरे डैड ने सुसाइड कर लिया था और अब तुमने मुझसे जिमिन भी छीन लिया। अब मैं क्या करूँगा? तुम नहीं बचोगे। जब मेरे डैड ने सुसाइड किया था सिर्फ तुम्हारी वजह से, तब मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे बदला लेकर जाऊंगा और अब मेरे बदले का टाइम आ गया। अब देखो मैं तुमसे ऐसे बदला लूंगा कि तुम तड़प तड़प के रहो। जस्ट वेट एंड वॉच मिनयोंगी। क्या मिनयोंगी? ये तो वही है ना जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, वो तुम्हारा हस्बैंड है। लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत रूड है और खड़ूस है, वो तुम्हें खुश कैसे रखता है? जिमिन तुम चुप क्यों हो? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अगर वो तुम्हारे साथ गलत बिहेव करता है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं वो मेरे साथ गलत बिहेव नहीं करता और वैसे भी वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरा बहुत ध्यान भी रखता है। उसने देखो मुझे कॉलेज जाने की परमिशन दे दी। राइट मेरी क्लास का टाइम हो गया, मैं क्लास में जा रही हूँ। रुको जिमिन एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारी क्लास ढूंढने में मदद कर देता हूँ। तो मुझे बताओ कौन सी क्लास है, मैं तुम्हें बता दूंगा। थर्ड ईयर में। ग्रेट मैं भी थर्ड ईयर हूँ। एक काम करते हैं हम लोग साथ में चलते हैं। क्या तुम्हारे साथ? ओके। जिमिन अलग जाने वाली होती है कि तभी वो किसी से टकरा जाती है। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? तुम तो मिस्टर योंगी की वाइफ हो ना मिस जिमिन? तुम तो वही हो ना जो पार्टी में थी? हाँ और तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी तेज है। और तुम्हें ये नहीं याद रहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, साल भी नहीं हुआ शादी को और तुम अपने पति को छोड़कर यहाँ पर चली आई? तुम्हें तो अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे जाना चाहिए, यहाँ कर चली आई हो? देखो प्लीज आगे से हटो, मुझे अंदर जाना है। तुम अंदर जाओगी वो भी पढ़ाई करने के लिए, तुम्हारे लिए कॉलेज नहीं बना है। तुम जैसों के लिए सिर्फ झाड़ू बटन पोछा यही सब है। तो जाओ और घर के काम करो, यहाँ पर आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और न ही तुम्हारे यहाँ पर कोई काम है। और किस बुक में लिखा है कि जिसकी शादी हो जाए वो पढ़ नहीं सकता? एंड हाँ आगे से हट जाओ वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। प्लीज ब्राइट ऐसा मत करो, मैं यहाँ पर लड़ाई नहीं चाहती, मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ ना कि लड़ने। जिमिन ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो एकदम बदल गई हो। पहले कोई तुम्हारे सामने अगर बोल देता था तो तुम उसे डांट देते थे और अब क्या हुआ? प्लीज ब्राइट मुझे अंदर जाने दो, मुझे कोई बात नहीं करनी। इतना बोलकर जिमिन क्लास में चले जाते हैं। उसके बाद ब्राइट जैनी से कहता है, जैनी तुम एक बात अपने दिमाग में घुसोड़ कर रख लो कि तुम दोबारा अगर जिमिन को परेशान करोगी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम क्या बोल रहे हो ब्राइट? उसके लिए तुम अपनी फ्रेंड से लड़ रहे हो? तुम मेरी फ्रेंड थी लेकिन अब नहीं हो और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी बचपन की दोस्त। ओह गॉड ये जिमिन ने पहले मेरी यूंगी को मुझसे छीन लिया, उसके बाद अब ब्राइट को। जिमिन तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया ना और इस सब का बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। अब देखो मैं तुमसे बदला कैसे लेती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच मिस पार्क जिमिन। इतना बोलकर जैनी भी अपने क्लास में चली जाती है। यहाँ पर कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी, उसके बाद जिमिन वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर ब्राइट आता है और वो जिमिन से कहता है, जिमिन कहाँ जा रही हो? देखो हम लोग इतने सालों बाद मिले, मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ। एक काम करते हैं हम लोग जाकर घूमते हैं, उसके बाद तुम घर चले जाना। नहीं ब्राइट मुझे घर जाना होगा, योंगी मेरा वेट कर रहा होगा। प्लीज जिमिन एक बार प्लीज प्लीज तुम मना मत करना। देखो तुम्हें तो कहती हो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं करता है, तो क्यों मना करेगा? हाँ किसी चीज के लिए वो मुझे मना नहीं करता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी छूट का गलत फायदा उठाऊं, इसलिए मैं वापस घर जा रही हूँ। बाय। पर जिमिन मेरी बात मिनयोंगी तुमने जिमिन को मुझसे छीन लिया, अब तुम नहीं बचोगे, तुमसे मैं तो बदला लेकर ही जाऊंगा। इतना बोलकर ब्राइट भी वहाँ से चला जाता है। यहाँ जिमिन घर पहुँच जाती है, वो देखती है कि अभी भी शुगर ऑफिस से नहीं आया हुआ होता है, इसलिए वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद शुगर घर में एंटर करता है। हाँ जिमिन अभी तक नहीं आई, इतनी देर हो गई फिर भी। अरे जिमिन का बैग तो यहीं पर है, लगता है वो घर आ गई, फ्रेश हो रही होगी। फिर जिमिन फ्रेश होकर बाहर आती है और वो शुगर से कहती है, शुगर अरे तुम आ गई, कोई बात नहीं मैं जाती हूँ तुम्हारे डिनर बना देती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया है। और ये बताओ तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? अच्छा था। ये कॉलेज तुम्हारे लिए नहीं बना है बिकॉज तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें तो अभी अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे होना चाहिए, यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ जिमिन तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अगर वहाँ पर तुम्हें कोई परेशान करता है तो मुझे बता सकती हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं शुगर ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ पर कोई मुझे परेशान नहीं करता, वो एक्चुअली एक हफ्ते बाद मेरा पेपर है ना इसलिए मैं थोड़ा डर रही हूँ, इतने दिनों बाद मैं कॉलेज गई थी सब कुछ नया नया लग रहा था।
एग्जाम ही है ना, इसमें डरने वाली क्या बात है। एक काम करता, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और एग्जाम की तैयारी मैं तुम्हें इतनी अच्छी करवा दूंगा कि तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा होगा और तुम टॉप करोगी। क्या तुम्हें पढ़ाना आता है? और नहीं तो क्या, मुझे पढ़ाना आता है और तुम इस टाइम जो पढ़ रही हो ना, इसे मैं पढ़कर पुराना कर चुका हूँ। और इन एक हफ्तों में मैं तुम्हारी एग्जाम की तैयारी इतनी अच्छे से करवा दूंगा कि तुम बहुत अच्छे एग्जाम दोगी। क्या सच में? थैंक यू सो मच शुगा। एक मिनट शुगा, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे डिनर सर्व करके लेकर आती हूँ। इतना बोलकर जिमी किचन में जाती है और डिनर निकालने लगती है कि तभी उसे कोई बैग खक कर लेता है। Drop the